नमस्कार दोस्तों, बजट 2019 अब हमारे सामने है। मोदी सरकार 2.0 का ये पहला बजट हम सब के लिए महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इस बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सरकार क्या आने वाले समय में अपनी मंशा रखती है, एनवायरनमेंट के लिए, ई व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट किस प्रकार से सोच रही है, एक प्रकार की दृष्टि हमें देखने को मिलती है। मैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ इंडिविजुअल यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष जो कि एक इंडिविजुअल है, व्यष्टि है, उसके बजट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं जो कि हमें फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ध्यान में रखने हैं, उनका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो मैंने सर अपने डिस्कशन को मुख्य बिंदु के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश करी है। मेरा सबसे पहला मुख्य बिंदु है सर, स्लैब रेट में कोई बदलाव नहीं है। हम 2019 में सर ये दूसरा बजट देख रहे हैं। पहला बजट ऑलरेडी श्री अरुण जेटली जी ने रखा था और दूसरा बजट बीजेपी की गवर्नमेंट में ही माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी रख रही हैं। स्लैब रेट में सर सरकार ने कोई चेंज नहीं किया है। 2.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट है। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5% टैक्स लगना है। 5 लाख से 10 लाख की टोटल इनकम पर आपको वही 20% टैक्स लगना है और अगर 10 लाख से ऊपर की टोटल इनकम है तो आपको टैक्स लायबिलिटी 30% रेट से देनी है। एक कंफ्यूजन सर हमें पिछले बजट से भी हुआ था, जिस पर मैंने क्लैरिटी पहले भी एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू दी थी आपके सामने, कि क्या 5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कर दी गई क्या है क्या? तो आंसर उसका वही है सर कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वही 2.5 लाख है। हाँ, जिस व्यक्ति की टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है सर, उसे सेक्शन 87A में 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। इसकी वजह से उसकी टैक्स लायबिलिटी निल रहेगी। तो वही व्यवस्था सर इस बजट से भी कायम है, कोई और चेंज इसमें नहीं आया। हाँ, सरचार्ज की रेट सर ध्यान रखने योग्य है। सरचार्ज की रेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए अब बढ़ा दी गई है। मैं यहां पर इसे स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो आपको निल सरचार्ज रेट लगेगा, यानी आपके टैक्स के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको सर 10% की रेट से सरचार्ज लगेगा। यदि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के अमाउंट तक है तो ऐसी परिस्थिति में आपको 15% रेट से सरचार्ज लगेगा। यदि आप 2 करोड़ से 5 करोड़ की टोटल इनकम के स्लैब में आ रहे हैं तो आपको 25% सरचार्ज लगेगा और यदि आप 5 करोड़ से ऊपर की टोटल इनकम रखते हैं तो आपको 37% की रेट पर सर सरचार्ज देना पड़ेगा। तो हालांकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन को सर ये हायर सरचार्ज रेट्स इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक चेंज है इसलिए मैंने इसे आपके सामने रखने का कोशिश किया। अब ये सर अगला पॉइंट जो मैं लेने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कह रही है अगर आप 45 लाख रुपए तक की आवासीय संपत्ति खरीदने या बनाने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे तो हम उस पर्टिकुलर ब्याज की राशि का जो आप उस होम लोन पर पे करेंगे उसकी 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट आपको अंडर सेक्शन 80EE के अंदर देंगे। तो सर हम सबको पता है कि 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन तो हमें ऑलरेडी सेक्शन 24 क्लॉज B ऑफ इनकम टैक्स में मिलता है। उस 2 लाख रुपए के डिडक्शन के अलावा ये 1.5 लाख रुपए की छूट आपको मिलेगी यदि आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 45 लाख रुपए से अधिक नहीं है और आपने किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या खरीदने के लिए कोई पर्टिकुलर लोन लिया है। साथ ही साथ सर ये एक नया प्रावधान गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है कि यदि आप इंडिविजुअल हैं और आपने कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कार लेट्स अज्यूम 10 लाख रुपए की है, आपने उस 10 लाख की कार को लेने के लिए 7 लाख रुपए का कोई लोन ले लिया किसी वित्तीय संस्था से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे बी NBFC या बैंक, तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने जो लोन लिया उसका ब्याज 1.5 लाख रुपए तक का साल का अगर आपने दिया है तो आपको सेक्शन 80EE के अंदर उसका डिडक्शन मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली एन इंसेंटिवाइजेशन कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदें क्योंकि वो निश्चित रूप से देश के ऊपर जो किसी प्रकार से मिनरल ऑयल्स जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट से पड़ने वाले भार को भी कम करेगा और गवर्नमेंट ने उसके लिए इंडिविजुअल असेसीज को यहाँ इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करी है। अब यहां पर देखिए सर एक नया प्रावधान और सरकार करने जा रही है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। अब तक यदि आपके पास सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, F, G, GA या GB में
कोई कैपिटल गेन की एग्जम्पशन होती थी तो आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं था, परंतु इस बजट से सर सरकार कह रही है कि यदि अब आपके पास में इनमें से किसी सेक्शन में एग्जम्पशन क्लेम आप कर रहे हैं और इन एग्जम्पशन को क्लेम किए बिना आपकी टोटल इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट है तो आपके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है। मैं इसे एक उदाहरण से रखता हूं सर कि मान लीजिए मेरे पिताजी ने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेची 50 लाख रुपए की, जिसमें उन्हें 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ और वो 40 लाख रुपए नए मकान में लगाने जा रहे हैं, उनकी अदरवाइज कोई इनकम नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें कोई टैक्स लायबिलिटी देनी नहीं। अब तक सर उन्हें रिटर्न भरना जरूरी नहीं था, लेकिन असेसमेंट ईयर 2020-21 ऑनवर्ड्स ऐसे व्यक्ति के लिए सर रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा। दो और बातें सर मैं जो रिटर्न से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, सरकार ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है कि आधार को पैन का विकल्प बनाएंगे, यानी आपके पास पैन नंबर है तो बहुत अच्छा, और अगर पैन नंबर नहीं है तो आपके आधार कार्ड के बेसिस पर यानी आधार नंबर के बेसिस पर ही आपकी रिटर्न भर जाएगी। तो नाउ यू नीड नॉट टू अप्लाई फॉर पैन, इट कुड ऑल्सो बी वन अपीयरेंस, बट येस सर्टनली गवर्नमेंट इज सेइंग कि इवन इफ यू डोंट हैव अ पैन, आप अपना आधार नंबर रिटर्न में डालिए, हम आपकी रिटर्न को एक्सेप्ट करेंगे। परंतु सर ये बात ध्यान रखिएगा, अभी जो हम बजट से पहले रिटर्न भर रहे हैं यानी असेसमेंट ईयर 19-20 उसमें व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था असेसमेंट ईयर 20-21 से लागू होगी। आईटीआर भरने हेतु तीन नई श्रेणी सर इस बजट से जोड़ी गई है। नंबर एक, एक अथवा एक से अधिक खातों में 1 करोड़ रुपए से अधिक जमा कराने वाले व्यक्ति, यहां पर खाता करंट अकाउंट है सर, यदि आपका करंट अकाउंट एक या एक से ज्यादा है और आपने साल भर में 1 करोड़ से अधिक राशि जमा कराई है, यहां नकद राशि जमा कराने से तात्पर्य है, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। 2 लाख या उससे अधिक राशि यदि आप स्वयं के या अपने परिवार के किसी जन के विदेश यात्रा पर खर्च कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, और यदि आप बिजली के बिल पर 1 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च कर रहे हैं तो भी सर आपके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो ये कैटेगरी सर, इनमें से 2 कैटेगरी पहले भी थी किसी रूप में, वापस से लेकर के आए हैं, तो सरकार कह रही है सर ऐसे व्यक्तियों के लिए रिटर्न भरना उनकी दृष्टि में मैंडेटरी है। अब मैं सर आपके साथ टीडीएस से रिलेटेड जो 2 अमेंडमेंट आए हैं इंडिविजुअल एसएससी के, उन्हें डिस्कस करने जा रहा हूं। इनमें पहला है सर, सेक्शन 194 डीए में टीडीएस की रेट को 1% से बढ़ाकर 5% करना। तो अब तक सर ऐसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका रिडम्पशन टैक्सेबल होता है, यदि 1 लाख रुपए से ऊपर की राशि उस पर्टिकुलर पॉलिसी में आ रही थी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो गवर्नमेंट 1% टीडीएस का प्रावधान बना रखी थी। अब गवर्नमेंट ने कहा 1 की जगह 5% का टीडीएस काटना है, परंतु ये बात ध्यान रखनी है सर, ये प्रावधान 1 सितंबर 2019 से प्रभावी होगा। इसी प्रकार से सर एक नया सेक्शन आ गया, सेक्शन 194M, जिसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि यदि आप 50 लाख से ऊपर का किसी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर रहे हैं तो आपको 5% की रेट से टीडीएस काटना है। इसका मतलब क्या है सर, मान लीजिए आपका निजी मकान बन रहा है, उसमें 1.5 करोड़ रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एंड दैट पर्टिकुलर हाउस विल नॉट बी यूज फॉर बिजनेस, तो अब तक आप 194C में टीडीएस नहीं काटते थे पर्सनल प्रॉपर्टी में, पर क्योंकि अब आप एक इंडिविजुअल हैं, चाहे आप सैलरीड पेड हैं, आप 1.5 करोड़ रुपए मकान के कंस्ट्रक्शन पे लगाएंगे, तो आपको ऐसी परिस्थिति में उस कॉन्ट्रैक्टर से 5% की रेट पर सर टीडीएस काटना पड़ेगा। ये नया प्रावधान भी सर 1 सितंबर 2019 से प्रभावी होगा। अब यहाँ एक लास्ट डिस्कशन सर मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, परिवर्तन जो नहीं हुए, जो शायद हम मांगते तो थे परंतु गवर्नमेंट ने उन पर खास तवज्जो दी नहीं, क्या है वो मैं आपके लिए वापस से एक बार उनको लेकर आता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेशन की एक धारा 112A बजट 2018 से जुड़ी गई थी। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स हटाने जा रही है, परंतु ऐसा कोई व्यवस्था सरकार ने इस बजट से नहीं करी। फर्दर सर, एटीसी एटीसीसीडी की लिमिट्स में भी लोगों को बदलाव की अपेक्षा अक्सर रहती है, परंतु एटीसी और एटीसीसीडी एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की लिमिट्स में 1.5 लाख रुपए में और 50,000 रुपए एटीसीसीडी सबसेक्शन 1B में कोई चेंज नहीं किया गया है। होम लोन के ब्याज की ऊपरी सीमा में अदरवाइज कोई बदलाव नहीं किया गया सर, एक्सेप्ट दैट वो जो 45 लाख रुपए के लोन के लिए मैंने आपसे बात करी 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की, अदरवाइज होम लोन के ब्याज की ऊपरी सीमा वही 2 लाख रुपए रहने वाली है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। 80D मेडिकल इंश्योरेंस की लिमिट में भी सर कोई बदलाव सरकार द्वारा नहीं किया गया है।
और लास्ट सर स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले बजट में ही 40,000 से बढ़ा के सरकार ने 50,000 कर दिया था, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी लिमिट सर 50,000 ही है अभी इस साल के लिए, वित्त वर्ष 19-20 में उसमें भी कोई चेंज इस बजट से नहीं किया गया। सो अंत में सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे सुनने के लिए, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, मैं अपेक्षा करता हूँ यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से इसे शेयर करें। साथ ही मैंने एक क्यूआर कोड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिंक के रूप में अपडेट किया है, जिसमें आपको मेरे से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो जाएगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।